नमस्कार, आइए जानते हैं आज शाम 5 बजे तक की देश दुनिया की 10 बड़ी खबरें। केजरीवाल के पीए विभव कुमार सीएम हाउस से गिरफ्तार, मेडिकल रिपोर्ट में स्वाति मालीवाल से मारपीट की पुष्टि। आप सांसद स्वाति मालीवाल से सीएम हाउस में मारपीट के आरोपी अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार को दिल्ली पुलिस ने शनिवार को गिरफ्तार कर लिया। स्वाति मालीवाल 13 मई को अरविंद केजरीवाल से मिलने सुबह 9 बजे सीएम हाउस पहुंची थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि विभव कुमार ने उनके साथ मारपीट और बस सलूकी की। मेडिकल रिपोर्ट में आंख और पैर में चोट के निशान मिले। कर्नाटक सेक्स स्कैंडल, पूर्व पीएम देवगौड़ा बोले प्रज्वल पर एक्शन से आपत्ति नहीं। पूर्व पीएम देवगौड़ा ने कर्नाटक सेक्स स्कैंडल को लेकर पहली बार बयान दिया। उन्होंने कहा, प्रज्वल के खिलाफ एक्शन से मुझे आपत्ति नहीं है, लेकिन रेवन्ना पर चल रहे केस उसे फंसाने के लिए बनाए गए हैं। प्रज्वल पर उनके घर में काम करने वाली महिला ने यौन उत्पीड़न की शिकायत की थी। 26 अप्रैल को बेंगलुरु में पब्लिक प्लेसेस में कई पेन ड्राइव मिली थी। इनमें प्रज्वल को कई महिलाओं के साथ हुए यौन उत्पीड़न करते देखा गया। आईपीएल में आरसीबी वर्सेस सीएसके, बारिश के चलते मैच रद्द हुआ तो बेंगलुरु टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी। आईपीएल में शाम 7:30 बजे आरसीबी और सीएसके के बीच बेंगलुरु में मैच खेला जाएगा। आरसीबी को प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए कम से कम 18 रनों से जीतना होगा। हालांकि चिन्नास्वामी स्टेडियम में आज शाम आंधी के साथ बारिश होने की संभावना है। ऐसे में अगर मैच रद्द होता है तो आरसीबी टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी। एमपी समेत 9 राज्यों में 5 दिन तक हीट वेव चलेगी। यूपी के आगरा में तापमान 47 डिग्री पहुंचा। मौसम विभाग ने 5 दिन तक दिल्ली समेत 9 राज्यों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। इनमें राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, बिहार और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। उधर दक्षिण भारत के राज्यों तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में अगले 5 दिन भारी बारिश होगी। लोकसभा चुनाव 2024, मनमोहन सिंह, हामिद अंसारी और मुरली मनोहर जोशी ने डाला वोट। लोकसभा चुनाव के लिए दिल्ली की सभी 7 सीटों पर छठे फेज में 25 मई को वोटिंग होनी है। 85 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए घर से वोट डालने की प्रोसेस शुरू हो गई है। दिल्ली में चुनाव आयोग के अधिकारियों ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह, पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुरली मनोहर जोशी के घर जाकर वोटिंग करवाई। UNPLF के 34 विद्रोहियों ने असम राइफल्स के सामने हथियार डाले। मणिपुर में घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे नॉर्थ ईस्ट के सबसे पुराने विद्रोही दलों में से एक यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट पामबेई के 34 कैडरों ने असम राइफल्स के सामने सरेंडर कर दिया। अधिकारियों के मुताबिक ये सभी 34 विद्रोही म्यांमार से मणिपुर में घुसने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान असम राइफल्स ने इन्हें रोका। जवानों पर हमला करने की जगह उन्होंने हथियार डाल दिए। इसराइली सेना को 3 बंधकों के शव मिले। इनमें उस युवती की बॉडी भी जिसे हमास ने निर्वस्त्र कर घुमाया था। गाजा में इसराइली सेना को 3 बंधकों के शव मिले। इनमें उस युवती का शव भी है जिसे हमास के लड़ाकों ने निर्वस्त्र कर गाजा की गलियों में घुमाया था। नवंबर 2023 में सेना को इस युवती का कटा हुआ सिर मिला था। युवती की पहचान इसराइली मूल की जर्मनी शानी लूक के तौर पर हुई थी। 22 साल की शानी 6 अक्टूबर 2023 को हुए नोवा म्यूजिक फेस्टिवल में शामिल होने पहुंची थी। नीदरलैंड में तनावग्रस्त महिला को मिली इच्छा मृत्यु की मंजूरी, खुद को चोट पहुंचाती थी। नीदरलैंड में तनाव से जूझ रही एक 29 साल की महिला को इच्छा मृत्यु की अनुमति मिल गई है। महिला का नाम जोराया टेक बीक है, जो नीदरलैंड में जर्मनी के बॉर्डर के पास रहती। वह कई सालों से ऑटिज्म से जूझ रही है। नीदरलैंड ने 2001 में इच्छा मृत्यु को वैध किया था। इस दौरान पेशेंट को एक खास तरह का इंजेक्शन दिया जाता है और कुछ ही मिनट में उसकी मौत हो जाती है। हंसल के खिलाफ एक्शन की तैयारी में सहारा परिवार। 2 दिन पहले स्कीम 2010 द सबरूथ रॉय सागा की घोषणा। फिल्म मेकर हंसल मेहता की अपकमिंग सीरीज स्कैम 2010 द सुब्रत रॉय सागा को लेकर सहारा इंडिया परिवार की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि सुब्रत रॉय के नाम से सीरीज की अनाउंसमेंट करना अपमानजनक और ओछी हरकत है। इसके लिए वे सीरीज बनाने वाले प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के खिलाफ लीगल एक्शन लेंगे। बंगाल गवर्नर सेक्सुअल हरासमेंट केस, राजभवन के कर्मचारियों पर FIR। आनंद बोस के खिलाफ 2 मामले। पश्चिम बंगाल गवर्नर आनंद बोस से जुड़े सेक्सुअल हैरेसमेंट केस में कोलकाता पुलिस ने राजभवन के 3 कर्मचारियों के खिलाफ FIR दर्ज की है।
इन पर 2 मई को छेड़छाड़ की घटना के बाद राजभवन की महिला कर्मचारी को गलत तरीके से रोकने का आरोप है। दरअसल महिला ने राज्यपाल पर भी यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार। अपने सपनों का घर बना रहे हैं, एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सोहागी बाईपास।